कृष्ण प्रभा क्षेत्र में वृक्ष ने नीचे विराजमान थया छे। आज समुद्र पण स्थिर थयो छे, दिशाओ पण जाकी थवा लागी छे। महाराज ब्रह्मा आदि देवताओ आया छे, परमात्मा ना दर्शन अर्थे आया छे। भगवान जय रिया से स्वधाम गमो, ऋषि मुनियों परमात्मा ने स्तुति करवा लाग्या। भगवान आप हमने छोड़ी महाराज गमतू नहीं, पर भगवान ने कौन रोकी सके। बस दारू हवे तू जा, गोपियों ने मारो संदेशो कहजे कि भगवान अंत समय सुधी तमने याद किया। दारू धीरे धीरे आवे छे, ब्रज में आवी अने गोपियों ने बात करी से कि गोपियो परमात्मा है तुमने खूब याद करा से, सुदाम गमन ने याद कराए थे। एक क्षण गोपियों ये बधाए काम पड़ता मुकी, आज हमने ख्याल तो दारू कि दिशाओं का एक जाखी थी गई थी। भगवान ने कहीं संदेशों दीदो, दारू तो बोला छे हाँ भगवान ही कीधु से गोपियों ने कि तमे मारा धाम में निवास कर। गोपियों एकत्रित थई छे, कोई कई बोली सकते नहीं। कोई राधा ने कहो, राधा जी आया छे। गोपियों सुधार आंसू रड़े छे, यमुनाजी नु पानी आज स्थिर थयुं छे, गायो आज घास आदि आदि खाता नहीं, दिशाओ जाकी थई गई छे, पंखी पशु पंखी कोई जलपान करता नहीं, निरस बनी गयु छे। आ बाजु भगवान द्वारका छोड़ी ज्यारथी आव्या छे त्यारथी गोमती पण घूंघट ताणी लीधो छे। भगवान बस हमें राह जोई रहा छे, अने गोपियों एकत्रित थई छे। गोपियों रुदन करे छे परमात्मा ने, भगवान आप हमने साथे लेने केम न गया। अने आ बाजु भगवान बोला छे आन पेलो पारधी आवे छे, पारधी ना हाथे परमात्माए अंतिम विदाई ली छे। भगवान पारधी आव्यो छे, पारधीए तीर्थांतो तैयार कर्यो छे, अने भगवान प्राशीना पीपळे ज्यां बैठा छे। गोपियों विलाप करे छे, ऋषि मुनियों विलाप करे, भगवान तमे गोकुल गया तो मथुरा वृंदावन चुकाम छोड़ी महाराज, आप हमें हमने छोड़ी पासा प्रभा क्षेत्र में गया छो महाराज। भगवान ज्या त्रण पद्म रेखा ताणे छे, अने आ बाजु पारधी आवे छे, पारधीए जोयु छे, पारधी सामो उभो छे, अने पारधी ने परमात्मा कहे छे पारधी तारो शाप सुखी ले। पारधी जा बाण छोड़े छे, परमात्मा पारस पीपळा नीचे सुता छे भगवान राम ने, अने पारधी एवा समय तीर छोड्यु छे भगवान ना तन पद्मा विधाना छे। पारधी ने ख्याल आव्यो छे, पारधी रुदन करे छे, धीरे धीरे परमात्मा नो तेजोमय स्वरूप ईश्वर छे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने कहे छे परीक्षित प्रभु सुदाम गया छे। आज प्रभा क्षेत्र सिन्न थयु छे, सुन अवकाश पायो छे, कोई कोई ने कोई बोलवु गमतु नथी एवो सागर बन्यो छे। सागर नी लहेरो बंद थई गई छे,
फारस टीपड़ो पण आज परमात्मानी आगळ होवे छे। राजन परमात्मानो स्वधम गमननी कथा पछी हवे धीरे धीरे सुखदेव महाराज कहेवा लाग्या छे, राजन परीक्षित हवे तारी पासे काळ आवशे અને હવે હું તારી પાસેથી વિદાય લઉં છું, કારણ હું હોઈશ તો કાળ નહીં આવી શકે, મારે જવું જરૂરી છે। અને બે ક્ષણમાં તને પીડાની વાત કહે, પીડા નહીં થાય તો બસ હું અહીંથી વિદાય તારી પાસેથી લઉં। सुखदेवजी महाराज राजा परीक्षित पास थी विदाय लई परीक्षित ने कीधु, परीक्षित बस मन वचन ने कर्म थी तू आंख बंद करी परमात्मा नु ध्यान कर, जेथी करी तक्षक नाग आवशे, आंख बंद राखजे, जमना पगना अंगूठे तेने दंश मारे अने पछी तारू मृत्यु थशे અને પછી તું સીધો ભગવાનના ધામમાં જઈશ। રાજન બોલ્યા છે, ભલે મહારાજ આમ કહી સુખદેવજી મહારાજ મિત્રા છે, પરીક્ષિત દંડવત કરી પરીક્ષિત ધ્યાન ધરે છે, એવામાં મન વચન કર્મથી પરમાત્માનું ધ્યાન ધરે છે અને સામેથી નાગ કુળનો નાગ તક્ષક નાગ ધીરે 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 આવી રહ્યો છે। બે ક્ષણ તો તક્ષકને પણ એમ થયું છે કે હવે મારે આને કરડવું નથી, પણ નિયતિ છે અને તેથી તક્ષક આવ્યા છે। જોયું છે તો રાજન પરીક્ષિત ધ્યાન મગ્ન છે, પરમાત્મામાં ધ્યાન એનું લીન થયું છે અને તક્ષકે આવી રાજા પરીક્ષિતના ચરણમાં પગની અંદર દંશ માર્યો છે, દંશ માર્યો છે, તક્ષક નાગ જતા રહ્યા છે પણ કોઈ પીડા વ્યાપી નથી। અને આ અંતિમ ક્ષણ છે અને ધીરે ધીરે આના પ્રાણ દેવલોકમાં જવાની તૈયારીમાં છે। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। હવે તો તમારે જીવવાનું છે, રે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે હે હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે વસુદેવ સુતદેવ કંસ ચારુણ મર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ
कृष्णं वंदे जगद्गुरु। राधा परीक्षित ज्ञान परमात्मा नु धरु छे तक्षके आवे अने जा दंश मारो पछी कथाना प्रतापे राजा परीक्षित एनु मरण सुधाय। देवताओ जे जे कार करो राजन ते तारू मरण सुधारी लीधु छे। सातमे दिवसे जे तने श्राप मळेलो एम ग्रंथकार के आ कथा परमात्मा सुखदेव जी बोला छे। महाराज सुत पुराणी बोला छे स्तोनक ऋषि आ गए। हे राजन आ ग्रंथ परमात्मा नो श्रीमद भागवत नी कथा जे कोई गाशे सांभळशे श्रवण करशे एना तमाम मनोरथ परमात्मा पूर्ण करशे। एनी गति अगति स्वगति विरगति बधा एने पावी परमात्मा नु धान पामशे। सनकादिक बोला छे ऋषिराज परमात्मा नु वांगमय स्वरूप छे। भगवान कृष्ण चौधाम गया पछी पोतानु स्वरूप पोतानु तेज भागवत मां मूक्यु छे। आज कथाना प्रतापे अनेक अपराधों ने क्षमा करी भगवान पोताना धाम मां नहीं छे। आज परीक्षित परमात्मा ना धाम मां गयो छे। आज अपने सात सात दिवस था अया लुवारिया गाम ने आंगणे ये कथा नो पारायण आपने गाई रिया छे। त्यारे लागे छे के कथा नो फल आपने मळ्यो होय परमात्मा की कृपा थी। एक पण विघ्न आ गाम नी अंदर आव्यो नथी। सात सात दिवस थी रहीन शेन थी आप सांभळी रह्या छो। आपे मने शांतिपूर्वक सांभळो ए कोई मारी मोटाई नथी के कोई पेलू नथी पण आपे मने सांभळो छे आपनी उदारता छे आपनी महानता छे ग्रंथनो महिमा छे। बाप पण मैं कीधु एम थोड़ू थोड़ू जीवन में ध्यान पण रहता जाए थोड़ूक राखजो तो मने ख्याल आवे के नहीं मैं लुवारिया गाम में कथा करी मनोमन आ जीवन सुधारत छे। आ ग्रंथनो महिमा कांई मारे तमारे जाणवो रह्यो छे। आ गामे सात सात दिवस मने तन मन धन थी खूब खूब एटले खूब आभार रीते मने सासवो छे। मने जरिए कोई तकलीफ नथी पड़वा दीधी। एक कहता एक भी हाजर थाय अने सात सात दिवसे जा मारो निवास स्थान से उतारो केम भूलाय। घड़िए घड़िए धाव एटले चा पाणी पूछे घड़िए घड़िए बाप ये बदल ये जुरू बापू ने हूँ धन्यवाद आपू छू। ये घर ने ये परिवार ने के अहीं एने जमवानो होय तो मारी माटे खास करी बचारा फलाहार बनावे अने फलाहार पण मछलाक तो कूं ताजो थई गयो एवं ने के आ एटलू बधुं बोली न शकाय एटलू बधुं बनावे बिचारा। अमारा बेन बा पुष्प नाम तो आवडतुं पुष्पा बेन कहूँ जे होय हने पाणी बेन जुरु बापुनी दीकरी दीकरी बा ए बदल भगवान आ गामनी अंदर सुख शांति समृद्धि संपत्ति परमात्मा ढळक आपशे युवानोमां तेज आपशे वृद्धोनी सेवा थती रहेशे आज्ञाकिंत बनशे अने बधाईनी साथे समन्वय राखजो बा कोई कोईनी साथे वैर्य न राखशो। मन दुख होय तो आजथी मनोमन नक्की करवानुं छे कि अमारा मन दुख हता तो भागवत लई गयुं छे हवे अमारुं क्यां काई छे। અમારા મન દુખો આજે અમારા પિતૃઓ પ્રસન્ન થાય અને એમના આશીર્વાદ આપ્યા છે અમારા મન દુખો બધા કરી ગયા છે। અન્ન બનાવ હોય કોઈને તો એ મગજમાંથી કાઢી નાખવા બાપ આપણે લોટકું વર્ણ કોઈ રીતે મગજમાંથી જાતું નથી યાર। પણ બાપ આ કથાનો પ્રતાપ એવો છે બધાને સાથે હળી મળીને રહેવું। ગામ આપણું છે ગામ એક રામ છે સમસ્ત બધાને સાથે હળી મળી અને બસ જીવનમાં બીજું શું હારે આવવાનું। જ્યાં સુધી આપણે જોશું ત્યાં સુધી પરમાત્મા આપણે અહીંયા રહેવા દે તન મન ધનથી જ્યોતિ એવી સગવડતા આપે છે। અને યુવાનો હું પણ આપને ભારદન કહું છું
કે તમે થોડુંક સાંભળજો, મગજમાં લેજો કે અત્યારે તમારો ધંધો કરવાનો સમય છે. ધંધો પણ જોરથી ધંધો કરજો, બહુ સૂતા ન રહેતા કામ વગર. અને બીજું કે આવા જ આ પદાર્થો છે એની સાથે ત્યાં બેસવું નહીં, પાન મદિરાનો સંગ ન કરવો, પછી જુહાર ન ખેલવા, અવળી સંગત ન બેસવું, જેવું તેવું પીવું નહીં, જેવી તેવી જગ્યાએ બેસવું નહીં. આપણામાં સુરવીરતા સદાને માટે સુરજ દાદો આપી રાખે એવી ભાવના સાથે હું આ બધાને કદાચ 7-7 દિવસમાં કોઈ નાથી મારાથી કોઈ નારાજ બન્યું હોય, કોઈની ઘેર જવાનું હોય ન જવાનું હોય, પછી તો બધા પ્રેમથી રહે છે, પણ કાંઈ પણ મારાથી વિશેષ બોલાવું હોય